अभी हाल ही में मैंने दिलवाले का ट्रेलर देखा, दिलवाले नहीं सर, सर्कस। सॉरी, सर्कस का ट्रेलर देखा। सर्कस का ट्रेलर मुझे दिलवाले का याद दिला रहा है। अरे वो वाली नहीं, शाहरुख खान और काजोल वाली। ना 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 ना। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, आते सर्कस के ट्रेलर पे। सर्कस का ट्रेलर 90s के उस दौर में आपको लेके जा रहा है, जहां बने हैं महंगे महंगे सेट, और आपको स्टोरी के नाम पे पता नहीं क्या मिलने वाला है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कॉमिक और कॉमेडी के नाम पे आपको मिलने वाला है एक और ऐसा बेजोड़ तड़का जो आपके पेट में गुदगुदी कर देगा। जी हाँ, इस फिल्म में बहुत अच्छी कास्टिंग है। रणवीर सिंह, जो कि बोलते हैं एनर्जी का हाउस पावर, इस स्टोरी में देखने को मिल रहा है कि रणवीर सिंह को इलेक्ट्रिक शॉट से भी कुछ नहीं हो रहा है। भाई साहब, इतना उनके अंदर एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रिक शॉट को ऐसे टच करके उड़ जा रहे हैं हवा में, इतनी एनर्जी है उसमें। देखिए, रोहित शेट्टी जो है ना, स्ट्रेटजी के मास्टरमाइंड है। इनका स्ट्रेटजी है, जो जैसा है उसको वैसा इस्तेमाल करो। हमारे अजय देवगन साहब को सिंघम बनाकर उन्होंने बहुत ही बेजोड़ एक के बाद एक हिट फिल्में दी, और अब रणवीर सिंह को सिम्बा के बाद ला रहे हैं बेजोड़ और हवा में उड़ने वाले सुपर पावर के साथ, जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सर्कस फिल्म में रणवीर सिंह उड़ सकते हैं, एक और सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो। सर्कस के ट्रेलर को देख के लग रहा है कि इस फिल्म की जो सेट पर जितने खर्चे किए गए होंगे, ओ माय गॉड, सोच के भी लगता है कि रोहित शेट्टी जो प्रोड्यूसर हैं हमारे इस फिल्म के, डायरेक्टर के साथ साथ, कितने पैसे खर्च कर दिए। हालांकि कमाया भी बहुत है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में। देखिए, स्टोरी के बारे में आप ना पूछे तो ही सही रहेगा, क्योंकि एक तरफ कांतारा, एक तरफ बड़ी बड़ी फिल्में स्टोरी लेके आ रही है, तो भैया अगर रोहित शेट्टी भी अगर स्टोरी लेके आएंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, उनका काम उन्हों करने दो, और रोहित शेट्टी सर को तो बस कार उड़ाने हैं। पर सर्कस में कार नहीं उड़े, इस बार तो सीधा हमारा स्टार उड़ रहा है। मुझे बड़ा मजा आया ट्रेलर देख के। हालांकि इस फिल्म में आपके वैरायटी ऑफ कास्टिंग है, जैसे कि रणवीर सिंह तो हैं एक तरफ, उसके अलावा आपको हीरोइन में दो हीरोइन मिल रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े। उसके अलावा आपको बैक में बहुत सारे एक्टर मिल जाएंगे, जॉनी लीवर से लेके संजय मिश्रा, वरुण भी हैं इसमें। मतलब कहने का मतलब है कि आपको वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट मिलेंगे, तो आपको बोर नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, खैर हम दूसरी तरफ बात करेंगे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। सिनेमेटोग्राफी, हालांकि फिल्म का बजट कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब 200 करोड़ यहाँ पे नहीं, अच्छा के बहुत अच्छा है। फिल्म बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार लग रही है। आप प्लीज इसको कंटेंट के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए देखने जाएं। रोहित शेट्टी हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, ये बोलने की बात नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इस बार कार नहीं, स्टार उड़ रहा है आसमान में। कहने का मतलब है अब रोहित शेट्टी कार के अलावा स्टार को उड़ाएंगे आसमान में। इस फिल्म की ऊंचाई कहां तक जाएगी, आप और हम देखने के लिए बेताब हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड प्लीज लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके छोटे भाई के नीतीश कुमार को। धन्यवाद।